सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूर मैकेनिक टीवी। तो आज हमारे पास है पल्सर 150 ट्विन डिस्क ABS मॉडल। तो आज हम आपको इस गाड़ी में ये बताने वाले हैं कि जो हमारी गाड़ी का ABS केबल होता है, एक फ्रंट में होता है, एक रियर में होता है। तो हम आपको ये बताएंगे कैसे पता करना है कि रियर वाला काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, फ्रंट वाला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आज हम इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताएंगे इस केबल को कैसे चेक करके कौन सा केबल काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा बोश टूल का होना ज़रूरी है। यहाँ पे अभी हम बोश टूल को यहाँ पे अटैच कर लिए, उसके बाद हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। ये हमारा बोश टूल चालू हुआ। अभी हम अपने गाड़ी का मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 22 मॉडल है। अभी हम स्पोर्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे TD कैन VD पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट है, हम ABS पे जाएंगे। ABS पे जाने के बाद हम यहाँ पे व्यू डेटा में जा रहे हैं। तो व्यू डेटा में जाने के बाद आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रंट व्हील स्पीड, और यहाँ पे नीचे लिख रहा होगा रियल व्हील स्पीड। तो अभी हम हमारे पीछे वाले टायर को घुमाएंगे और आपको साथ में रीडिंग भी दिखाएंगे। ये देख रहे हो, अभी हमारा टायर घूम रहा है और यहाँ पे अभी हमारा रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा पीछे वाला सही है। और अभी हम आगे वाला, अभी हम आगे वाला आपको दिखाएंगे। ये देखो, अभी हम टायर घुमा रहे हैं, ये देखो हमारा आगे वाला भी रीडिंग दिखा रहा है। तो आप भी कुछ ही इस तरीके से अपनी गाड़ी का ABS केबल चेक कर सकते हो, हमारी गाड़ी का फ्रंट केबल गया है या बैक केबल गया है। तो आप इस मेथड से बहुत इजीली आप अपने गाड़ी का पता कर सकते हैं कौन सा केबल गया या नहीं गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।